नरेन्द्र मोदी सरकारंकर 9 वर्ष पूर्ति अवसर रे भारतीय जनता पार्टी पक्षर समग्र देश रे चली महाजनसंपर्क अभियान एही क्रम रे दलर राज्य सहप्रभारी तथा तो राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमार आज बालेश्वर गस्तरे आसीतिबा बेले आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन रे केन्द्र सरकारंकर 9 वर्षर उपलब्धि संपर्क रे आलोचना करथिले। गत 9 वर्ष हेउची भारत वर्ष पई नवनिर्माण एवं गरीब कल्याणर 9 वर्ष एही समय मध्यरे भारत वर्ष पॉलिसी पारालिसिस रु डिसाइसिव पॉलिसी एवं अर्थनीति रे दुर्बल 5 रु श्रेष्ठ 5 कु यात्रा करिचि बोली श्री तोमार प्रकाश करथिले। मोदी सरकारंकर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याणर गत 9 वर्षर सफलता को प्रत्येक घरे घरे पहुंचाइबा पई दलर राष्ट्रीय सभापति जगत प्रकाश नड्डा को निर्देश क्रमे आसंता जून 30 तारीख पर्यंत एक मास व्यापी महाजनसंपर्क अभियान जारी रही से सूचना देछंती। एही क्रम रे ओडिसार 4टी महासभा अनुष्ठित हेबा सहित एथिरे प्रधानमंत्री मोदी समेत केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख जगदेवे एथसहित राज्य में 1000+ जनसभा अनुष्ठित होब। बालेश्वर जिलार 1887 ब्रुथर 60,000 परिवार को दलर 75,000 कर्मकर्ता भेटी मोदी सरकारंकर सफलता विषय चर्चा करिबे। एही अभियान जून 21 तारीख अंतराष्ट्रीय जग दिवस पालन अवसर में प्रत्येक कार्यक्रम स्थल मानक केन्द्र सरकारंकर 9 वर्ष सफलता को नहीं प्रदर्शनी आयोजित होब। जून 23 तारीख में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिजिटल रैली माध्यम रे देशर 10,00,000 बूथ रे समर्थक समाज रे कार्य करूथबा व्यक्ति एवं दलीय कार्यकर्ताक सह सीधासळक कथावार्ता करिवे बोली श्री तोमार सूचना देतिले। इन 9 वर्षों में भारत की तस्वीर बदली है। जिस देश के बारे में ये राय दुनिया की थी कि भारत गरीब देश है, भारत सपेरों का देश है, भारत भिखारियों का देश है, आज वो देश एक गौरवशाली एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। भारत की विषम परिस्थितियों में भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ भारत की है। आज 5वीं ताकत भारत बन चुका है और 27 आते आते 30वीं ताकत बन जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया है उसको सिद्धि तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस अमृत काल में भारत विकसित देशों का विश्वगुरु का स्थान लेने का काम करेगा। उड़ीसा का अभी आपको बहुत विस्तार से बताया है। उड़ीसा में उड़ीसा की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, उड़ीसा में किसानों के साथ धोखा होता है। यहाँ पर धान की खरीद में 15% 10% कटौती होती है, कोई मॉइस्चर के नाम पर होती है, खराब उसके नाम पर होती है, किसानों को परेशान किया जाता है। और उड़ीसा में सही मायने में ना तो किसान सम्मान निधि पूरी मिल पा रही है और ना आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। तो यहाँ उड़ीसा के नागरिकों को यदि डबल इंजन की सरकार होगी तो ये सारे लाभ मिलेंगे। आयुष्मान भारत योजना भी लागू होगी, 100% किसानों को किसान सम्मान निधि भी मिलेगी और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और कुछ कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन भी होते हैं, कोई सुनता नहीं है, ये भी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखिए, बीजेपी पूरी योजना बना रही है। हम निचले स्तर तक जा रहे हैं और निचले स्तर जाकर बूथ स्तर पर जाकर शक्ति केंद्र स्तर पर जाकर के कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से जितने काम किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में, उन कार्यों को महिलाओं के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, श्रमिक के लिए क्या किया है, मिडिल क्लास के लिए क्या किया है, उसको नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री हैं, ये हर घर तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। और 24 में नवीन बाबू की सरकार जाएगी, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उसको लक्ष्य रख के काम कर रहे हैं। देखिए, उड़ीसा सरकार ने कोशिश की, अभी भी मुझको जानकारी मिली, एक पिछले जिले में मैं गया था, कौन सी लोकसभा थी, किंजौर में, के साथ अभ्यास 85,000 मकान प्रधानमंत्री आवास के आए हुए हैं और नहीं दे रहे हैं, पात्र व्यक्तियों को नहीं देते हैं, जिनके पास ऑलरेडी बने बनाए पक्के मकान हैं उनको दे देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना है और उस पर वो प्रधानमंत्री आवास योजना लगे अपना ठप्पा लगाने लगे,
तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी हर घर तक ये बात पहुँचाना, हर घर तक बताना। प्रधानमंत्री यदि आवास दे रहे हैं केंद्र से भी मिल रहा है, यदि मुद्रा बैंक से ऋण मिल रहा है केंद्र से मिल रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, यदि 9.5 करोड़ से अधिक लोगों को गैस के कनेक्शन दिए हैं वो नवीन पटनायक जी ने नहीं दिए हैं, वो केंद्र सरकार ने दिए हैं। महिलाओं को यदि इतनी सस्ती दवा मिल रही है, 1 रुपये का सेंट्री पैड मिल रहा है, तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है केंद्र दे रही है? केंद्र की योजनाएं, इतने बड़े हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे के 5 शहरों में केवल पूरे देश में ये था मेट्रो, आज 20 से अधिक शहरों में है। कुल उनका कृषि का बजट पहले यूपीए के टाइम में सारा मिला के जो 12,000 करोड़ था 9-10 में, और 23-24 में, इसमें 13-14 में लास्ट किया था, उसमें उनका 23,000 करोड़ था। हमारा पिछले साल का 2,25,000 करोड़ का है, या अब 2,70,000 करोड़ हमने रोड पे दिया है। तो हम बजट का 6 गुना दे रहे हैं, 5 गुना दे रहे हैं, MSP बढ़ा रहे हैं, रेल को बढ़ा रहे हैं, विद्युतीकरण कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो ये जो काम केंद्र कर रहा है, प्रदेश सरकार अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। इस जनसंपर्क महाअभियान जो महाजनसंपर्क अभियान है, इसके माध्यम से ये हर घर तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अन्यमानक मध्यरे सांसद प्रताप चंद्र षडंगी, जिला सभापति उमाकांत महापात्र, पूर्वतन विधायक जीवन प्रदीप दास, राज्य संपादिका सिप्रा बाजपेयी, कार्यक्रम राज्य सह संयोजक विष्णु दास, जिला गणमाध्यम संयोजक श्रीनिवास प्रधान समेत पूर्वतन जिला सभापति लंबोदर नायक, महिला मोर्चा राज्य उपसभापति सुषमा विश्वाल, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शुभंकर महापात्र और शोभना महांति, जिला साधारण संपादक परशुराम परिडा, जिला उपसभापति कमला बिंधाणी, कमलोचन दास, सावित्री जेना, जिला संपादक विजय साहू प्रमुख उपस्थित थिले। जिला गणमाध्यम सह संयोजक रंजित पृष्टि और अनिल महांती कार्यक्रम को संयोजना करितिले।